परकिंस रिएक्शन. दिस एग्जैक्टली रिलेटेड टू एल्डोल से ही रिलेटेड है. एल्डोल से रिलेटेड है इन दिस सेंस कि हम लोग हर बार बात कर रहे हैं कार्बेनाइन की. कार्बेनाइन बनाते हैं, कार्बेनाइन बना करके फिर उसको सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक कराते हैं. बट इन दिस पर्टिकुलर केस ये रिएक्शन बहुत ही क्लीन सा है, सिंपल सा है. ये दिखते ही आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए. क्यों स्ट्राइक करना चाहिए? क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल हमारा होता है इसके अंदर बेंजल्डिहाइड. अब बेंजल्डिहाइड में आप मिथाइल लगा दो, नाइट्रो लगा दो, ये लगा दो, वो लगा, जो भी लगाना वो लगा लो कहीं पर भी, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल जो होगा वो हमारा होगा बेंजल्डिहाइड ही. एंड सो द बेंजल्डिहाइड में हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, देन वी हैव दिस ओ, देन दिस इज CO एंड देन CH3, ये ऐड किया एंड फॉलोड बाय ACONA. ACONA मतलब ये हो गया CH3 COO-Na+ एंड CH3COOH. सो इन दैट केस दिस इज एक्टिंग एज अ माइनस की तरह ये वाला काम कर रहा है. एंड सो हियर व्हाट वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर केस कि ये जो माइनस है दिस इज एक्टिंग एज अ बेस, ये बेस की तरह काम करेगा. एंड नाउ सो इफेक्टिवली यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है ये वाला. एंड होप यू रिमेम्बर दिस वन, आपको शायद ये याद होगा क्योंकि हमने इस बात को हमने पढ़ रखा है. ये OH है यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लग गया. सो व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है? सो इफ यू रिमेम्बर कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन नेम हमने ये पढ़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सिनामिक एसिड कहलाता है. ये दिस इज कॉल्ड सिनामिक एसिड है. सो हियर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस वन. क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे जब EAS यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग और इसको ढंग से इलाबोरेट करेंगे. कुछ इसमें खास बातें हैं जो भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज व्हाट द रिएक्शन इज. रिएक्शन में सिंपल सा रिएक्शन ये है कि बेंजल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट इट गिव्स सिनामिक एसिड. दैट्स द सिंपल रिएक्शन, दैट्स द बेसिक आइडिया. अब इसके बाद जो भी कुछ है वो मैकेनिज्म के अंदर है, उस मैकेनिज्म को हमें एक्सप्लोर करना है. सो आई एम जस्ट स्टिकिंग टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. दिस इज सिंपल रिएक्शन है. इसमें लेकिन क्या होता है कि मल्टीपल एक दो स्टेप्स पे कुछ कुछ हम लोग गड़बड़ी करते हैं. क्या गड़बड़ी करते हैं वो भी हम लोग इसमें एक्सप्लोर करेंगे. एंड सो लेट अस हैव अ लुक एट इट. तो पहला स्टेप तो हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि माइनस से हमें कार्बेनाइन ही जनरेट करना होता है. यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्बेनाइन कहाँ पे बनेगा, सो देयर इज ओनली वन पॉइंट जहाँ पे कार्बेनाइन बन सकता है एंड दैट पॉइंट इज दिस वन. ये वाला जो माइन हमारे पास CH3 है, यही वाला ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कार्बेनाइन बनेगा. एंड देयर फोर इफ आई हैव टू राइट इट इन दिस वे, इसका मैं मैकेनिज्म कुछ ऐसे लिखूंगा. यानी यहाँ पर मैंने PHCHO लिख लिया, यहाँ से PHCHO, ठीक. एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इन दिस केस, फिर हमने क्या करना है इसमें से डायरेक्टली यहाँ से एक बनाना है. दिस इज फॉर्मिंग प्लस, इसमें से CH2- बना लिया मैंने, CH2-, देन वी हैव सी डबल बॉन्ड ओ ओ, देन वी हैव दिस सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH3, देन वी हैव दिस CH3 अटैच्ड हियर. एंड सो वी कैन राइट इन दिस केस ये CH3 यहाँ पे जोड़ दिया CH3. Now this minus is attacking on it. ये वाला यहाँ पे इसने अटैक किया, ये चला गया इस साइड. एंड सो व्हाट वी हैव गॉट H, हमारे पास यहाँ से क्या बना, सो यू हैव गॉट दिस वन PHCO-, यहाँ पर ये H इधर है. एंड देन दिस इज CH2, देखना बच्चों यहाँ पे ये CH2 है. फिर इसके बाद ये क्या आएगा, CH2 हो गया. फिर हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O आ गया, डबल बॉन्ड O ये लगा दिया. फिर ये ओ है, फिर ये यहाँ पर क्या है, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH3, ऐसे ये वाला आ गया यहाँ से. सो फर्दर अब देखो यहाँ पर यहीं से कुछ गड़बड़ी होता है. क्या गड़बड़ी होता है, गड़बड़ी मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं सही चीज लिख देता हूँ यहाँ पर. सही चीज ये है, यहाँ से ये जो ओ माइनस है हमारा, दिस ओ माइनस इज अटैकिंग ऑन दिस वन, ये वाला यहाँ पे अटैक होता है, ये चला गया यहाँ पर. सो एज अ रिजल्ट दिस वुड बी फॉर्मिंग PH, ये लिखा यहाँ पर, ये कार्बन है, ये H लिख लिया हमने यहाँ पर, ये O लिख लिया यहाँ से, देन वी हैव CH2, देन C डबल बॉन्ड O, देन हियर इट इज अगेन O, फिर से O आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसे चला गया और ये O- है और ये CH3 है.
अब देखो बच्चों फिर से ये वाला क्या हो गया, इफ यू रिमेम्बर दिस इज जस्ट एसिड डेरिवेटिव का ही रिएक्शन है फर्दर, एंड सो हियर व्हाट वी गेट एज, यहां से हमें ये दिखाई देगा कि दिस वुड बी अगेन कमिंग बैक टू दिस, और फिर यहां से ये ओपन अप हो गया, ये ओपन अप हो जाएगा, सो एज अ रिजल्ट व्हाट वुड बी फॉर्मिंग हियर, यहां से ये वाला इधर चला गया, सो दिस वुड बी फॉर्मिंग, यहां से कुछ बन गया ऐसा पीएच, देन वी हैव गॉट दिस सी, अब H मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर, ये O, फिर ये क्या बन गया C double bond O और ये CH3 double bond O और ये CH3 बना, then this H here, यहाँ से ये वाला ऐसे आ गया यहाँ पर, और ये O minus है और ये ऐसे O minus नहीं है, ये कार्बन है, फिर इसके बाद लगेगा ये वाला C double bond O and then O minus double bond O और ये O minus है. Now, in this case, अब फिर से वही जैसे हम लोगों ने dehydration कराया हुआ था, वैसे यहाँ भी dehydration कराएंगे, and so what we have got in this case is, यहाँ से क्या हो जाएगा, so you will have this is going there, ये वाला फिर से क्या होगा, ये वाला यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे चला गया वापस, and so this would be forming what, यहाँ से बन गया हमारे पास, और H plus add कर दोगे इसके अंदर, तो हमारे पास ये आ जाएगा PHCOH, यानी यहाँ से वाला चला गया, तो बना ये वाला PH, then it is like this double bond, और ये यहाँ पर ये acid हमने add कर दिया, तो ये OH और ये C double bond O, ये ऐसे बन गया. So this is what we have got out of this one, यहाँ से ये वाला ऐसे हमने बना दिया. अब इसमें मैंने ये कहा कि यहाँ पर कुछ गलती है, तो क्या गलती है, गलती ये होता है यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं इस केस में, यहाँ पर हम लोग करते यूं है, जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा ना इसमें, अब यहाँ से ये गलत तरीका वाला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे, सो वी गो इट लाइक दिस, इसमें हमने H प्लस लिखा और ये बना दिया ऐसे PH C OH, यहाँ पर ये CH2, देन दिस इज C डबल बॉन्ड O और ये O और ये C O और ये CH3, देन वी से लाइक दिस, ये H है, देन हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं इसका, H3O प्लस करा दिया, तो H2 प्लस करा देंगे, तो ये एसिड डेरिवेटिव है, तो ये बना लिया हमने ऐसे PH COH और ये CH2, और हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा, ये वाला COOH बन गया, एंड देन आई एम स्टेटिंग भाई यहाँ पर ये OH है और ये CH2OH COOH है, तो कॉन्जुगेशन के कारण से ये वाला फिर से वही फंडा हमें अप्लाई कर देना है कि यहाँ से ये H और ये OH हटा देंगे, तो ये है वैसे ठीक है, मतलब टेक्निकली मतलब थोड़ी बहुत ही मिस्टेक है इसके अंदर, बट This is again leading to the same product. So this is the difference between the mechanism. तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन में ये हो जाए कि which of the following reaction involves cyclic intermediate, तो हमारा ये वाला भी आएगा. जबकि इस वाले यदि मैं इसको follow करूँ, तो ये कहीं से भी cyclic intermediate को नहीं दिखाता है. So that's why this reaction को इसमें हमें specially ये ध्यान रखना है. So this one is flawed mechanism. ये flawed है. यानी इसमें गड़बड़ी है. So we can remember this, ये वाला mechanism में follow नहीं करना, ठीक है, याद रखने के लिए भले ही it's okay कि कैसे हमने यहाँ पे किया है, but otherwise it should not be. So let us again quickly review this one, हमने दोबारा से review करना है, तो first of all हमें क्या कर किया हमने, acetic anhydride में से ये जो हमारे पास acetate ion है, this is just removing H plus, तो ये minus बन गया, this minus is attacking on C double bond O, तो यहाँ से जब attack हुआ, तो यहाँ से ये वाला बन गया O minus, This O minus is attacking through this C double bond O, तो यहाँ से हमारे पास एक cyclic intermediate बनता है, जो कि कुछ इस तरह से है, और ये वाला कौन सा reaction है, हमने already पढ़ रखा है acid और acid derivative में, कि जब भी ऐसे O minus जाता है, तो फिर O minus बनेगा, फिर वहां से दोबारा से वापस आकर के एक bond को तोड़ेगा, तो ये वाला bond टूट गया यहाँ पर, तो ये वाला bond टूट के O minus बना, और ये CH3CO CH3 बन गया यहाँ से, देन H plus workup किया हमने, ये वाला हमारा cinnamic acid बन गया. So effectively what we just need to remember is this is Perkin's reaction involve benzaldehyde, Perkin reaction involves benzaldehyde to cinnamic acid through cyclic intermediate. Cyclic intermediate कौन सा, जिसमें कि oxygen oxygen का ये वाला हमारा बनता है, right? जब ये वाला हमने लिखा है उसमें हमने cyclic intermediate नहीं बनाया है, simple hydrolyze करके ऐसे हमने कर दिया है. So that's the difference, थोड़ा सा इसमें ये अंतर है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. So this is how we can do this Perkin's reaction.